हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइडेड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको सहायक लेखाकार एवं लेखाकार परीक्षक के इंटरव्यू के बारे में बताने वाला हूं। और आज 28 नवंबर के दिन जो क्वेश्चंस आंसर पूछे गए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर कौन कौन से पूछे गए हैं। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो वित्तीय बाजार किसे कहते हैं। तो वित्तीय बाजार के बारे में यहाँ बताना है। तो एक वित्तीय बाजार को बाजार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और असली माल या सेवाओं के लिए पैसे का आदान प्रदान इसमें शामिल है। और एक वास्तविक लेन देन हुई है, एक वित्तीय लेन देन के निर्माण या एक वित्तीय परिसंपत्ति का अंतरण शामिल है। और इसके बाद देखिए क्या है, वित्तीय संपत्ति या वित्तीय साधनों धन की राशि का भुगतान, वित्तीय संपत्ति या वित्तीय साधनों धन की राशि का भुगतान भविष्य में कुछ समय और ब्याज या लाभांश के रूप में या आवधिक भुगतान के लिए एक दावे का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये वित्तीय बाजार हो गया, ठीक है। और इसके बाद देखिए पूछा गया है, जब कोई बैंकर CDR के बारे में बात करता है तो वह किसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है, जब कोई बैंकर CDR के बारे में बात करता है तो वो किसके बारे में बात करता है, तो ये बताना है। तो कॉरपोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है, तो विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल का आइकन पर क्लिक जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए पूछा गया, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई। ये देखिए पहले भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से की गई थी, जिसे 2000 में बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम कर दिया गया है। तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और इसके बाद देखिए पूछा गया है, 2000 यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया, 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितना प्रतिशत हुई थी। तो 11.4% हुई थी 2001 से 11 के दौरान, साक्षरता का जो परसेंट था वो 11.4%। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है। तो गाजियाबाद है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 3971 है। तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे घना जिला गाजियाबाद है। ये आपका यूपी से क्वेश्चन पूछ गया था। ये देखिए फिजिक्स से पूछा गया है यहाँ क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए पूछा गया है, भारत में उत्तर प्रदेश का गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो भारत में उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। और इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है, किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 56% की वृद्धि होगी। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। इसके बाद देखिए पूछा गया है, एक कार 1 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी किलोमीटर पर आवर में चाल ज्ञात करो। तो यहाँ पर चाल ज्ञात करना है तो 36 किमी पर आवर हो जाएगी, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए आप लोग। इसके बाद पूछा गया है, 54 किमी पर आवर की चाल से मीटर प्रति सेकेंड में कितनी होगी। 54 किमी पर आवर का मीटर प्रति सेकेंड में चाल कितना होगा ये बताना है यहाँ पर। तो 15 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। तो आप जो लोग पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।